तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू धमाका वीडियो। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं सीएसके वर्सेस आरसीबी का आईपीएल का फर्स्ट मैच। तुम लोग फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक क्योंकि वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा मजेदार। मैच को स्टार्ट करते हैं फैफ डुप्लेसिस ने यहाँ पे टॉस को उछाल दिया एंड यहाँ पे हमने हेड्स कॉल किया क्योंकि हम लोग खेल रहे हैं ये वाला मैच सीएसके से, क्योंकि मैं एक सीएसके फैन हूँ इस वजह से। तो पहला मैच ही होने वाला है सीएसके वर्सेस आरसीबी का मैच। आरसीबी ने भाई टॉस जीत के बैटिंग लिया, क्या बात है। मतलब सीएसके की बॉलिंग एकदम टॉप क्लास की होनी चाहिए तभी यहाँ पे बैटिंग भी टॉप क्लास की हो सकती है। तो पहली बॉल के लिए आ रहे हैं दीपक चहर, सामने है फैफ डुप्लेसिस। देखते हैं यार पहला बॉल क्या इंटरेस्टिंग जाने वाला है। ओ इन स्विंग बढ़िया था यहाँ पे एंड फील्डिंग बढ़िया भाई, अभी के हिसाब से फील्डिंग बढ़िया चल रही है और बॉलिंग भी मैं बोलूंगा अभी ठीक चल रही है। आगे की 5 बॉल पे और भी चीजें डिसाइड होने वाली हैं कि बॉलिंग और फील्डिंग में एंड बैटिंग में, क्योंकि सामने है विराट कोहली। तो चलो देखते हैं भाई, पहला बॉल यहाँ पे हो चुका है। ओरे भाई ये एक इन स्विंग बॉल था, यहाँ पे एज लगाया बट अगर स्लिप होता तो काम बन जाता भाई। यार पहले ओवर में यहाँ पे 8 रन आए हैं जो कि काफी बढ़िया बात है। दूसरी साइड से बॉलिंग कराने के लिए आ रहे हैं पथी राणा एंड पथी राणा को विकेट ना मिले इम्पॉसिबल चीज है भाई ये तो। अरे यार और यहाँ पे एज लग के फिर यहाँ पे जमीन पे लग गया। काफी इन स्विंग डाल के हम लोगों ने ट्राई कर लिया, अभी एक बॉल ना अंदर से आउट स्विंग डालते हैं। अरे कनेक्शन हो गया भाई यहाँ पे एंड बढ़िया कनेक्शन है एंड चौका भी चला गया आई थिंक। अभी नेक्स्ट बारी पे पता चल जाएगा, वो चीज मैं देख रहा हूँ किस पे फायदा। माय भाई प्लीज 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 ड्रॉप मत करना ड्रॉप नहीं मिलेगी भाई। विराट कोहली को यहाँ पे फंसा दिया है पथी राणा, बहुत ही बढ़िया बॉल, क्या बात है एंड सीधा उंगली उठ गया अंपायर का, बहुत बढ़िया पथी राणा। पहले मैच में आईपीएल के पहले मैच में यहाँ पे हमको मिल गया विकेट, जो कि विराट कोहली का पहला विकेट मिला है। रिव्यू नहीं लिया है क्योंकि पता है एज लगा है। बहुत ही बढ़िया बॉल, सीधा विकेट को टारगेट किया था, हल्का सा एज लगा एंड भाई तो छोड़ ही नहीं सकते हैं फिर विराट कोहली भाई 7 बॉल्स पे 5 रन बना के पवेलियन का रास्ता। बैटिंग के लिए आ रहे हैं रजत पाटीदार, कोई ना नेक्स्ट बॉल पे हम लोग ध्यान रखेंगे। अरे बॉल तो बढ़िया था बट उतना बढ़िया तरीके से फैफ डुप्लेसिस ने खेला भी है एंड फैफ डुप्लेसिस का खेलना जरूरी भी है क्योंकि विराट कोहली आउट हो चुके हैं, तो किसी ना किसी को तो भाई चलना पड़ेगा ना, वरना इनके लिए आगे चल के भाई प्रॉब्लम भी हो सकता है। चलो देखते हैं अभी। ओ ये भी शॉट, अरे भाई 2 शॉट एक जगह पे नहीं मार सकते भाई आप, कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया बस वो सीन हो गया। ओ कनेक्शन भाई, रजत पाटीदार ने कनेक्ट कर लिया एंड सीधा 6 है, बहुत बढ़िया शॉट है वैसे जो भी बोलो सामने की। यार फैफ डुप्लेसिस को भी आउट कर दूं तो ओरे फैफ को आउट करना है। ओरे फील्डिंग भाई बहुत नेक्स्ट लेवल फील्डिंग। नेक्स्ट ओवर हम लोग करवाने वाले हैं पथी राणा से, क्योंकि हम पे ना ऐसा सबर नहीं होता है। पथी राणा जब बढ़िया चल रहा है तो पथी राणा को दोबारा से लेके आते हैं क्योंकि विकेट चाहिए भाई अपने को यहाँ पे। अभी फैफ डुप्लेसिस ने भाई, ये मेरे को लग रहा है मैं गलत टाइम पे पथी राणा को लेके आया हूँ क्या। रजत पाटीदार यार कैसे फंसाऊ इनको। ओ ये शॉट है भाई, ये शॉट क्यों है, इन्होंने अपने को 100 से ज्यादा का और यहाँ पे टारगेट समझाने के चक्कर में बॉल चला गया मेरे से, नो बॉल एंड वो भी नो बॉल पे 6 पड़ गया भाई, रजत पाटीदार ने मार दिया। अभी नो बॉल को कैसे हैंडल करा जाएगा मेरे को खुद भी नहीं पता है। ओ नो यार, डैनियल मिचेल को ओवर देके मेरे को लग रहा है मैंने सबसे बड़ी गलती की है भाई, इतना ज्यादा तो कोई ना कुटे जितना हो क्या रहा है भाई, ये डैनियल के साथ हो रहा है और किसी बॉलर के साथ क्यों नहीं हुआ। डैनियल को लेके आ रहा हूँ भाई, 2 नो बॉल जा चुकी हैं, हट बे फिर रख दिया भाई। नेक्स्ट ओवर के लिए हम लोग लेके आए हैं तीक्ष्णा को, क्योंकि पता है भाई अगर विकेट आ सकता है तो अब तीक्ष्णा के बल्ले से, वो तीक्ष्णा के बॉल से मैं बोल रहा हूँ। अबे थोड़ा सांस तो ले लो बे, ओ चांस है, चांस नहीं है आउट है, बहुत बढ़िया ये कैच कितना स्पेशल है माही भाई, वो भी बोलते भाई क्या बात है भाई। फैफ डुप्लेसिस 14/29 बढ़िया खेल रहे थे, आउट हुए हैं एंड बैटिंग के लिए आए हैं ग्लेन मैक्सवेल। इस बॉल को मैं इतना ज्यादा खास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये टर्न देख रहे हो, पहली बात तो ये टर्न क्या परफेक्ट भाई, कितना बढ़िया टर्न है एंड रुक जाओ ये बॉल ना यहाँ पे एज लगा है एंड फिर ये फैफ डुप्लेसिस के पैड पे इधर आके नीचे लगा है एंड माही भाई पीछे से आ रहे हैं, माही भाई ने देख लिया यहाँ पे अभी चांस है, अभी यहाँ पे बचा सकते हैं एंड यहाँ से भाई फुल भाई स्पीड में कैच पकड़ा है एंड यहाँ पे सीधा आउट किया है फैफ डुप्लेसिस को। मैक्सवेल को लगा बॉल थोड़ा नीचे आएगा बट ये वाला नीचे रहेगा तभी ये वाला कनेक्ट भी होएगा, स्टेप आउट करके यहाँ पे मार दिया है ग्लेन मैक्सवेल ने एक बढ़िया सा चौका बट यहाँ पे आउट हो गया। अरे यार
उस हिसाब से भाई 120 प्लस तो इनके मेरे को इजी लग रहे हैं। अभी तक देख रहे हो भाई, रजत पाटीदार 41 पे कब्जे बैठा है भाई उसका, वहां पे 50 का कोई आता ही पता नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल ऐसे मार रहा है भाई जैसे कि अभी 50 अपना मारने वाला है। अरे रिवर्स शॉट खेल दिया भाई, बढ़िया। तब भाई ऐसे मैच में यहाँ पे 2 डॉट आउट है, बहुत बढ़िया। 3 डॉट बॉल डाल के यहाँ पे विकेट निकाला है तीक्ष्णा, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। कम से कम सफलता तो मिली है यार तीक्ष्णा को, लाइक एक बार अभी माही भाई की वजह से ही मिली थी, कैच लिया था माही भाई ने एंड फैब डुप्लेसिस आउट हुआ था, एंड दोबारा में यहाँ पे फिर से कैच आउट हुए हैं। लाइक हल्का सा एज स्टेप आउट किया था यहाँ पे रजत पाटीदार ने, हल्का सा एज लगा एंड कैच आउट, 41 रन बना के घर वापसी। बैटिंग के लिए आए हैं कैमरॉन, बहुत बढ़िया ओवर अभी के हिसाब से। वे ये शॉट भाई, ये शॉट बढ़िया है एकदम, जैसा घूम के क्या मारा है भाई, क्या मारा है ये शॉट, बहुत बढ़िया तीक्ष्णा ने। अभी देखते हैं जड्डू का, यार उसने रूम बना के खेल दिया भाई। क्या ये 5 बॉल में अपने सेंचुरी का ट्राई करेगा, वो हाफ सेंचुरी का ट्राई करेगा, देखते हैं। आउट है, आउट है, आउट है भाई, आउट है। स्टेप आउट कर लेना भैंस की डांस, स्टेप आउट करेगा ये, बहुत बढ़िया। जड्डू को लास्ट ओवर में सफलता मिली है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बॉल। और यहाँ पे स्टेप आउट किया, हल्का सा एज लगा और काम खत्म है भाई, खत्म है काम। ग्लेन मैक्सवेल 50 का ट्राई करके बेचारा खेल रहा था 11 पे 28, बट बहुत बढ़िया, ये भी एक रन बढ़िया है। दूसरा पे फंसाया था ग्लेन मैक्सवेल को यहाँ पे। ओ हो, डीके आते ही एकदम पीके, क्या बात है, स्टेप आउट करके 6 मारा है भाई, शॉट में दम है भाई। डीके ने एकदम ही आते ही भाई फुल रख दिया है, ये भी बढ़िया है एंड ये भी चौका है। 120 का क्रॉस कर गया टारगेट, एंड जो कि सही भी है यार, इतना तो टारगेट कम से कम देना था इनको। ये डीके भी यही शॉट खेल लेते हैं एंड बढ़िया खेल लेते हैं भाई, मेरे को लग रहा है ये लोग 130 प्लस ले जाने वाले हैं स्कोर, तो इनको आउट किया जाए। 130 प्लस तो ऐसा नहीं जाने वाला है स्कोर भाई, 130 तो गया है बट टारगेट 131 का मिला है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। 131 का टारगेट दिया है आरसीबी ने हमको, एंड क्या भाई यहाँ पे हम लोग इसको चेस कर पाएंगे। सामने है ऋतुराज गायकवाड़ एंड डेविन कॉनवे, बॉलिंग के लिए आए हैं सिराज, क्योंकि यहाँ पे सिराज भाई है तो पहला बॉल बाउंसर के बहुत चांस है, बट आज ऐसा नहीं हुआ है। ऋतुराज भी अपना पूरा ऐसे थोड़ा सेट ओवर है, क्योंकि यार समझना पड़ेगा ओवर को, सिराज का ओवर इतना इजी थोड़ी ना जाएगा यार। सिराज बॉलिंग है भाई, क्या बॉल था यार, मैं खुद ही नहीं समझ पाया, बहुत लाजवाब बॉल है भाई। ऋतुराज यार 0 पे, यार ये चीज नहीं चाहिए थी। फिलहाल अजिंक्य रहाणे आए हैं, इतना बढ़िया कटर बॉल कैसे हो सकता है भाई, यहाँ से कितना बढ़िया कट हुआ है एंड बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा बॉल है। शॉर्ट खेलने का ट्राई किया था, उसका स्पीड मैंने नहीं देखा, तुम लोग उसका स्पीड बताना, उसका स्पीड कितना था बॉल का, क्या कर रहे हैं भाई ये लोग। अजिंक्य भाई भी चले गए भाई, दोनों 0 पे गए हैं भाई, ये लोग करना क्या चाहते हैं। डैरियल मिचेल से देखते हैं यार, अभी सिराज का यहाँ पे हैट्रिक चांस है, देखते हैं। बहुत बढ़िया खेला है, हैट्रिक मिस किया यहाँ पे एंड बढ़िया शॉट है, चौका बटोर रहे हैं। बॉलिंग के लिए आए हैं लोकी फर्ग्यूसन, मैं सोच रहा था सिराज का ओवर थोड़ा ऐसे नॉर्मल निकालते हैं, फिर देखते हैं भाई। बहुत बढ़िया शॉट है डेविन कॉनवे ने, लोकी फर्ग्यूसन को मारा है, क्योंकि दोनों ही न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। अभी कम से कम ये दोबारा से बाउंसर नहीं डालेगा, इसको पता है वाइड बॉल जा सकता है। ये स्ट्रेट शॉट बहुत बढ़िया है, उतना बढ़िया है कि यहाँ पे सीधा चौका ही मिल गया, और क्या चाहिए भाई। 50 बॉल्स 112 चाहिए, लाइक टारगेट डोंट मैस विद मी वाला है, दो तो नहीं एक ही आएगा, तो एक से ही थोड़ा बहुत काम चलाते हैं। कैमरॉन ग्रीन भाई, 4 फास्ट बॉलर हैं इनके पास पे, ओ देखना पड़ेगा यार। ओ ये शॉट बढ़िया है, भागो भागो भागो, बहुत बढ़िया एंड चौका है, क्या बात है। डैरियल मिचेल की यार कवर ड्राइव शॉट क्या सही है यार, एंड ओवर खत्म है। अगला ओवर करवाने के लिए आए हैं सिराज, ये बढ़िया पुल है एंड इसी के साथ में चौका भी है भाई। सिराज का पहला ओवर तो मैं याद ही कर लेता हूँ, तो मेरे को लगता है भाई क्या नेक्स्ट लेवल ओवर किया था यहाँ पे सिराज का। ये शॉट बढ़िया है क्योंकि गैप में है, 2 भागो वे, चौका मिलेगा भाई, चौका। यहाँ पे 2-1-2 से कोई मतलब ही नहीं है, शॉट मारने का ट्राई करूँ क्या। ये फिर भी एक नॉर्मल शॉट था, भागले 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 भागले, अरे एक पहुंच गया भाई, एक पहुंच गया भाई, वहां पे दूसरा अभी तक नहीं पहुंच पाया, ये क्या चीटिंग है यार।
ये आधे पे पहुंचे, वो बंदा उधर पहुंच गया। रनिंग स्पीड बढ़ाओ बे, इतना फिर स्लो रहोगे तो फिर यही होगा। डैरियल मिचेल है सामने। अरे शॉट है भाई, क्या बात है। शिवम दुबे दो बॉल खेल चुके हैं, बट अभी तक ऐसा बोलो शॉट वगैरह कुछ ऐसा रन वगैरह आया सो नहीं है भाई ऐसा कुछ। ओहो हो, बैकफुट पंच है बेटे, क्या बात है। ये तो बैकवर्ड पंच है एंड क्या बात है भाई, सीधा चौका है। समझ रहे हो तुम लोग इसकी सीधी सीधी प्लानिंग। अब जाओ बाहर, हटो, निकलो बाहर, सीधा सीधा बाहर पहुंचा दिए, क्या बात है। डैरियल मिचेल का शॉट काफी बढ़िया यहाँ पे। क्या यहाँ पे एक बढ़िया शॉट मार के एक सिक्स आ सकता है? जी नहीं, जी हाँ, क्यों नहीं, बहुत बढ़िया शॉट आ सकता है। अलग ही लेवल का लेजेंड चीज है। बे ये बहुत क्लोज मामला था, अगर विकेट पे होता तो हो गया था कल्याण। शिवम भाई शॉट है, शिवम भाई बहुत बढ़िया, फुल दिमाग से शॉट मारा है। उनको पता था प्लेयर सारे पास में लगे हैं, ऐसा शॉट मार के चौका बटोर सकते हैं, इजी क्लासी शॉट से चौका बटोरा है डैरियल मिचेल। मतलब कि शॉट तो भाई एकदम ही क्लियर कट है, पक्का ही है, बोल दिया था भाई। डैरियल मिचेल ना मैच को इजी विन करवा देगा भाई। डैरियल मिचेल है तो टेंशन इस वजह से नहीं है क्योंकि डैरियल मिचेल अभी है, शॉट है भाई ये। 21 पे 57 चाहिए भाई, क्या मारो बे शॉट वॉट मारो कुछ कुछ इस प्रकार से। शॉट का मैंने बोला भी था एंड शॉट आ भी गया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे 80 रन कंप्लीट किया सी एस के ने। ये 8 नंबर का ओवर आ गया है, अब मेरे को यहाँ पे मैच को इजी विन करवाने का कोशिश चालू कर देना चाहिए। पहले बॉल पे शॉट है, क्या बात है, मतलब कोशिश चालू है अपना। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दो लो दो लो दो लो दो लो दो लो, इजी 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 इजी, तीन भी ले लो अब तो, अब तो ले लो, तीन भी ले लो। दो तो आए हैं ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो साले ड्रामेबाज है भाई, बॉल देख रहे हो, जैसे मैं भागा तुरंत ही बॉल उठा लिया, वैसे वो बॉल ही नहीं उठा रहा था। देखो एंड का टाइम है यहाँ पे ना, माही भाई को लाते हैं, मेरे को लग रहा है चांस यहाँ पे MSG के ज्यादा है मैच को विन करवाने के। 14 बॉल्स पे 42 चाहिए, देखते हैं। और डैरियल मिचेल भाई क्या शॉट है, बढ़िया चौका मारा है यहाँ पे। एंड बॉलिंग के लिए आए हैं लॉकी फर्ग्यूसन, सामने है MSD महेंद्र सिंह धोनी। देखते हैं भाई पहला बॉल, वो पहला बॉल ही सीधा गया पाजी, पहला बॉल ही गया सीधा चौका, क्या बात है। MSD ओपी बोलते भाई, बहुत ज्यादा इजी बोल दिया था मैंने, MSD के सामने भाई कुछ भी नहीं भाई। चलो बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे वार्निंग दे दिया है, यानी कि अपना एक बॉल यहाँ पे खराब हो गया है। ये शॉट बढ़िया है, शॉट बढ़िया है तभी चौका भी है। मिचेल यहाँ पे 47 में चल रहा है भाई, उसने पूरे मैच में दम भर दी है, उसकी वजह से मैच में इतनी दम आई है, उसका भी तो यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए ना बढ़िया। अरे यार एक बॉल नहीं कनेक्ट हुआ यार, अभी 6 बॉल पे यार, अभी मैच फंस रहा है। ओ नहीं फंस रहा है, माय बाय 6 है, ये 6 है भाई, लिखवा लो मेरे पे। 5 बॉल्स पे 19, MSD है सामने की साइड पे, क्या लगता है तुम लोगों को, लगता है क्या? मेरे को तो लगता है भाई, तुम लोगों को लगे ना लगे मेरे को तो लगता है। फिर से एक और 6, क्या बात है। MSD ने यहाँ पे उठा के पटक दिया भाई सामने सामने वाली। ओ ये वाइड दे दो अंपायर प्लीज, अरे अंपायर ने वाइड भी नहीं दिया, वार्निंग भी नहीं थी, वाइड भी नहीं थी। 3 बॉल पे 13 चाहिए यार, अभी फंस गया मैं। शॉट चाहिए होएगा भाई, हाँ शॉट चाहिए होएगा, मजबूरी भी है, बट प्रॉब्लम यही एक चौका है। 2 बॉल पे 9 रन चाहिए भाई, अभी अभी मेरा ये वाइड दो अंपायर, ये वाइड है, ये वाइड होना चाहिए, ये वाइड होना चाहिए, मिल गया भाई वाइड मिल गया यार। वही तो मैं सोचू यार, इतना ऊपर बॉल, ये 2 बॉल पे 8 चाहिए। अभी 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 थोड़ा दिमाग लगा के, दिमाग लगा के, दिमाग लगा के, चलो चलो देखते हैं। ओ शॉट बढ़िया है, गैप में है, शॉट बढ़िया है एंड ये एक चौका है यार। डैरियल मिचेल का 50 भाई रह गया, बट यहाँ पे अगर मैच हम लोग जीत गए ना तो काफी हद तक काम बन जाएगा। चलो देखते हैं। ये एक 6 है और CSK ने मैच को जीता है भाई साहब, क्या बात है भाई, क्या बात है। शॉट में है दम, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, क्या बात है।
एंड सीएसके यहाँ पे मैच जीतिया, भले ही डैनियल मिचेल का 50 नहीं हुआ बट कोई बात नहीं है, यहाँ पे सीएसके इस मैच को बहुत ही इजी जीती है। और मैं सोच ही रहा था ये ना टारगेट विकेट को अभी नहीं करेगा क्योंकि इसको पता है मैंने स्पेस छोड़ के रखा है तो ये विकेट को नहीं टारगेट करेगा, बट बहुत ही बढ़िया मैच गया। गाइस तुम लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी है कॉमेंट में जरूर से बताना, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं तुम लोगों से एक और नए वीडियो में, सो तब तक लिए टाटा बाय बाय गुड बाय एंड राधे राधे। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey!